और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी, तब से पैर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई और सभी लोग जो है चोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून की शाम को आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही थी। हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस पर हमला करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हैं। आतंकियों की तलाश में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। ये आतंकी ग्रुप पिछले 1 महीने में राजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। खबर है कि रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। वहीं आतंकी हमले में घायल हुए चश्मदीदों ने बताया कि वारदात वाली शाम क्या हुआ था और आतंकियों ने कैसे इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले एक घायल चश्मदीद ने पूरी आपबीती बताई। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी, आपको कुछ फायरिंग हुआ है, ड्राइवर को गोली लग गई थी, पायलट उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो आगे जो बच्चे कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में। यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले अजय गुप्ता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जो इस आतंकी हमले में बाल बाल बच गए। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है चोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। घर में 4 लोग थे, ये चारों लोग ये कि सुरक्षित हैं हमारे, चोट लगा हुआ है सबको लेकिन ठीक है। झलक जो फायर हुआ नज़र उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से। जी पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पत पर उसने ये पत्थर पे, तो उस दरवाजे से निकला तो कर वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इस हमले की जांच NIA से कराने का फैसला किया है। आतंकी हमले की जांच के लिए NIA की टीम जम्मू कश्मीर के रियासी रवाना हो गई है। NIA के SP लेवल के अधिकारी स्पॉट पर पहुंचकर जांच करेंगे। NIA की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जाएगी। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।